सकते हैं, जो लोग जो सालों से जिनका पेट जो गांधी परिवार को कवर करके जो कवर फायर करके बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो लोग ग्रासरूट से जुड़े हो, जिन्होंने मेहनत करके हम जीरो से ऊपर आए। ऐश्वर्या जी, हमने किसी आप दोनों के माता पिता में से कोई भी नहीं, मेरे देखिए मेरे पिताजी थे कांग्रेस में, बट मैंने शुरुआत जीरो से की, सोशल मीडिया के जो मुझे एक छोटी सी पोस्ट से, पर मैंने 12 साल मैंने स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया। और उसके बाद जो ह्यूमिलेशन जो होता है कि जब आप एडवाइस सपोर्ट नहीं मिला पिताजी की कांग्रेस में होने से, नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट फ्रैंकली आस्किंग, एब्सोल्युटली नॉट। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड एज अ सोशल मीडिया वर्कर इन द पार्टी एज अ जीरो। मैंने मुझे कोई रेडीमेड चीज नहीं मिली, मुझे टिकट मिली हो कुछ, मैंने वर्कर के तौर पर चालू किया, मेहनत करके गुजरात के कांग्रेस के सोशल मीडिया हो, फिर नेशनल सोशल मीडिया हो, हर जगह पे दिल से काम किया। ऐश्वर्या जी, जब बात कैसी होती थी, जब से ये ह्यूमिलिएट क्यों किया, 2 साल से जो महानुभाव आए हैं, अगर आप डायरेक्ट अटैक नहीं करोगे इसका मतलब कि आप मिले हुए हो। मैंने कभी डायरेक्ट मैं पॉलिसी का विरोध कर सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री आप पॉलिसी का विरोध कीजिए, गाली देने से आपको 4 वोट मिलते नहीं, जो है वो भी चले जाते हैं, ये समझना पड़ेगा, ये मानसिकता जो हो गई। मैं लेफ्टिस्ट क्यों बोल, वो आदमी पर्सनल, मतलब आप उस नेता का नाम नहीं ले रहे हैं तो चलिए मैं भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बताइए फिर वो आदमी क्यों घर आना चाहता है? और नेता को भी समझ नहीं आता कि जितनी बार चाय वाला से लेके आज तक जितनी बार आप मोदी पे पर्सनल होते हैं, यू गिव द मैन अ प्लेटफॉर्म टू हिट यू बैक। ऐश्वर्या भाई जी, आप जस्ट वन कमिंग इन 30 सेकंड्स, आप एक चीज देखिए, अगर सुधरना होता तो बार बार वही गलती करते नहीं, तो खत्म करना तो ताला लगाओ एआईसीसी पे, कर जाओ खत्म भी नहीं करना है ना, उनको उतना ही रखना है कि जिससे उनका इंपॉर्टेंस रहे। They don't want to finish, they don't want to flourish also. जैसे ही उनको लगता है, 50-50 के बीच वो रखे तो ही उनका importance है। अगर बढ़ गया तो अच्छे लोग चले जाएंगे, घट गया तो दुकान बंद हो जाएगी, दोनों नहीं करना उनको, अपनी दुकान चलानी है। और यही हो रहा है आज जितने भी यूथ, आप कह रहे हो कि ये नेता 3-4 जो भी हैं, चले नाम नहीं ले रहे आप, चाहे किसी हो चाहिए, देखिए मेरा एक ही अनुभव है, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, देखिए नेशनल टीवी पे हूं, मेरा एक ही व्यक्ति से ही अनुभव रहा है, दूसरे के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपका एक से रहा है, ओके, मानसिकता इनकी है कि जो भी यूथ है, ज्योतिरादित्य की बात हो या सचिन पायलट की बात हो या जितिन प्रसाद की बात हो या आरपीएन की बात हो, ये सारे लोग पार्टी में परफॉर्म कर चुके हैं। आरपीएन ने स्टेट चुनाव जिताया है, ज्योतिरादित्य ने मेहनत किए चुनाव, मैंने देखा है 2018, सचिन पायलट ने किया, क्यों आज यूथ नाराज हो रहा है? इतनी अच्छी टीम हो और अगर आपके पुराने लोग उनको करके जो भी उनको ह्यूमिलेट करके पार्टी से निकाल, लॉस किसका है? फिर आप उसको गालियां देंगे, ये इसके कारण चला गया। अरे थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आज पार्टी 3 चुनाव बार बार हार रही है ऐश्वर्या जी, फिर भी आप अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते तो गलती किसकी है? आज मैं 15 साल से काम किया, गौरव भाई ने 7-8 साल से काम किया, हम लोगों ने फ्रंट एंड में गालियां खाई है पार्टी के लिए, जब चुनाव हारते थे हम फ्रंट में जाके पार्टी को डिफेंड करते थे। पार्टी को यह सोचना चाहिए, और ये हर कार्यकर्ता की पीड़ा है कि आप जो निर्णय लेते हैं उसका खामियाजा हम भुगतते हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, और जब ये समय आता तब भी आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, दिस इज नॉट माय फीलिंग। आज जितने भी प्रवक्ता ऑफ 1-to-1 कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, हर आदमी की फीलिंग है कि इसको डिफेंड कैसे करें। आप कह रहे हो कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस 25-50 में रहे, आपका भी यही है कि ये लोग इसीलिए, क्योंकि मुझे कोई मतलब हर आदमी का एक टारगेट होता है ना, मैं अगर आपके साथ गलत भी कर रहा हूं तो मेरा एक टारगेट होगा, या तो मैं आपकी कुर्सी चाहता हूं, अब वो आपसे सीनियर है, वो आपसे ऊपर बैठे हैं, उनके पास गांधी की आईजे नहीं है, गांधी फैमिली के आईजे नहीं है, चाहे वो राहुल हो, सोनिया हो या फिर प्रियंका जी, उनके आईजे नहीं है, तो वो आपको या बाकियों को नुकसान पहुंचा के दे आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। नो, दे आर अचीविंग मेनी थिंग्स, प्लीज एक्सप्लेन। दे आर अचीविंग देयर सिक्योरिटी ऑफ देयर पोजिशन, they are achieving, and they had this only single congress ko rok ke they want a security of their chair, they are not interested to take congress back to the power. I will give you one example, and this is also live example. Karnatak mein vidhan sabha chunav hue, abhi ho na Karnatak mein, main jeeti thi congress, main media ka wahan par incharge tha, he was also with me, many other spokesperson were with us. मेरे को एक आदमी फोन करता है, व्हाई यू आर डूइंग सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन लोकल इश्यूज, यू शुड नॉट डू। कांग्रेस के एक नेता, हाँ नहीं, ये जो मैं जिनके आप, अच्छा यही मार रहा हूं ना, हाँ ओके भाई। अरे भाई, फिर मैं वहां पे क्या, और मैं कोई शौक से थोड़ी डालने गया, मैं कोई शौक से तो गया नहीं, मेरे को तो रिक्वेस्ट करते हो, हाथ जोड़ के राम राम करते हो तो मैं निकलता हूँ, बाकी मेरे छपास की बीमारी नहीं है, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, मेरे एंटी डोज ली हुई है छपास की, वो मेरे टीका लगाया हुआ है, समझे आप? तो मेरे को तो आपने तो रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के भेजा। आप, मैं कह रहा हूँ ना, अगर सैडिस्ट लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो घबराते हैं, अरे यार अब कोई और बड़ा आदमी नहीं बन जाए।
अब अचानक से ये नहीं हो जाए, अब अचानक से वो आगे नहीं बढ़ जाए, अब अचानक से वो आगे नहीं बढ़ जाए, क्योंकि जब आप बढ़ेंगे आगे, अच्छा काम करोगे तो नेचुरली आगे बढ़ोगे, तो अच्छा काम करने मत दो, उनको वहीं पे प्रिवेंट करो। फिर मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ यंग लोगों के साथ। अब आप बताइए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, पर आप बताइए कि जैसे न्याय स्कीम है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री प्लीज। अब न्याय स्कीम वॉज डिस्कार्डेड बाई पीपुल ऑफ आवर कंट्री इन 2019। अगेन आपके मैनिफेस्टो में आपने क्या चालू कर दिया? अरे यार कोई मैं सर मैं जीवन में कई मैंने एग्जाम दिए, मैनी एग्जाम्स आई अपीयर्ड एंड आई फेल्ड, आई फेल्ड इन मैनी एग्जाम्स, आई फेल्ड इन मैनी एग्जाम्स, आई कई एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं फेल हुआ, पर मैं इंट्रोस्पेक्ट तो करूंगा आपकी, भाई अब मैं अपनी तैयारी को चेंज करूंगा। वापस वो के वो स्कीम, वो के वो लोग, वो के वो थॉट प्रोसेस, यू कांट हैव ए थॉट ओनली इन वन डायरेक्शन, यू हैव टू थिंक इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐश्वर्य भी मैं समझ रहा हूँ जो उन्होंने भी कहा, इनकी इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, किस लिए? मैं समझ नहीं, दे नो दैट इफ द क्वालिफाइड, गांधी फैमिली से इनके आईज एंड इयर्स है, अगर आप बढ़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा ना? उनका नहीं होगा ना फायदा, उनको कांग्रेस की पड़ी नहीं है ना, अगर जिस दिन कांग्रेस की नहीं पड़ी, देश की नहीं पड़ी, सिर्फ सेल्फ, एक राज्यसभा सीट और बंगलो, दैट्स इट, their world is around that only, I am telling very very clearly on national TV। आप कह रहे हो कि एक राज्यसभा सीट और एक कोठी का एक बंगलो, दैट्स इट, उनकी दुनिया उसके ऊपर नहीं, दिल्ली का एक घर। बाकी मुझे एक चीज बताइए, इतनी बड़ी पार्टी, इतने यंग लीडर्स छोड़ना, हर बार उनको गालियां देना कि कोई लालच से गया, डर से, अरे कौन सी लालच है, कौन सी डर है? अदर पार्टी जो भी बीजेपी में गए, जो भी जहां गए, आज सबको यूटिलाइज किया जा रहा है, पीपल आर परफॉर्मिंग, सो यू आर लूजिंग योर परफॉर्मिंग एसेट्स बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट इट वाज इज हैपनिंग। और मैं ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट आपको दिख रहा है। आज भी जब हम बात करें कि आगे क्या होगा 2024 में, डू यू सी एनी विजन? देयर इज अ बैकवर्ड। आप जो गाड़ी है आगे के ग्लास में देख के गाड़ी चला सकते हो आप, अगर पीछे के कांच में देखो तो एक्सीडेंट होना ही है, वही चीज आज हो रही है, ये लोग पीछे देख के चल रहे हैं, पर इसमें देश का नुकसान होता है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। कोई नाम नहीं लिया, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ इससे कांग्रेस की जो कमजोरी, अब आप दोनों बीजेपी के नेता हैं, बोथ ऑफ यू आर सीनियर बीजेपी लीडर्स नाउ, बट इन एन एब्सेंस ऑफ एन ऑपोजिशन, जब एक विपक्ष नहीं होता, एक सशक्त डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है, जब एक वीक ऑपोजिशन होता है गौरव जी, तो सत्ता में बैठे हुए लोग, जिसमें अब आप भी हैं, और आप दोनों हैं सत्ता में बैठे हुए, बीजेपी में आप दोनों, उनको लगता है देयर इज नो वन टू क्वेश्चन मी। मैं एक पत्रकार के तौर पर सोच रहा हूं कि भाई अगर डेमोक्रेसी में हमारा विपक्ष सचमुच इतना कमजोर है और ये कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि इसके नेता जो सीट डिसाइड करते हैं उन्हें यूपी की 5 सीट नहीं पता, वो बोलेंगे सूरत और भोपाल और ये और वो, तो फिर तो पीपल नीड टू वेक अप। एज ए वेल विशर ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई एम सजेस्टिंग ऑन रिपब्लिक टीवी वन सजेशन टू द सीनियर लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिकॉज वी रिक्वायर ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। ये जो तीन लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इनको राइटिंग में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को एक लेटर लिखना चाहिए कि टिल द टाइम यू आर अलाइव योर राज्यसभा सीट्स विल बी सिक्योर्ड, योर 6-bedroom बैंगलो विल बी, छोड़ेंगे ही नहीं, मेरी बात तो सुनो, बोलो ना, बी सिक्योर्ड, नथिंग टू वरी, बट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स डोंट इंटरफेयर इन द पार्टी मैटर्स। मतलब एक लिख के दे देना चाहिए और स्टाम्प पेपर पे, ताकि इनको भरोसा हो जाए, ताकि जब भी अगर ये जब तक आप साहब वहाँ पे बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, वो यही निर्णय लेंगे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का न्योता आप लिखित में,